हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे और इस सीरीज़ के अंदर हम लोग वन बाय वन सभी सिस्टम्स को कवर करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम लोग सबसे पहले इसकी एनाटॉमी कवर करेंगे, देन वी विल ट्राई इट्स फिजियोलॉजी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एनाटॉमी। तो एनाटॉमी में क्या है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। बेसिकली जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें होता है नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रैकियोब्रैकियल ट्री। ओके, और ये जो ट्रैकियोब्रैकियल ट्री है ये हमारा नीचे का जितने भी एल्वियोलाई, ब्रोंकियाई, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, वो सब कुछ ट्रैकियोब्रैकियल ट्री के अंदर आता है। और जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि जो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार एपिथीलियल सेल से कवर्ड होता है। नाउ वन बाय वन हमें हर एक ऑर्गन की स्टडी करते हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोज़ आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको बता देती हूँ, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आपके ट्रैकिया से स्टार्ट होगा और कई बार कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स भी हमसे पूछ लिया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द नोज। नोज के अंदर क्या है, हमें पता है जब हम लोग नोज को देखते हैं तो क्या पता चलता है कि एक स्पेशल ऑर्गन है सेंसेशन ऑफ स्मेल के लिए। ऑल्सो सर्व्स एज पासवे फॉर द एयर गोइंग टू एंड फ्रॉम लंग्स, मतलब जो एयर लंग्स के अंदर जा रही है या लंग्स से आ रही है उसके लिए एक पासवे का भी काम करता है। और ये बेसिकली हमारे कार्टिलेज से, बोन से, मसल से और स्किन से बना होता है। ठीक है, जो माउथ होता है उसको हम लोग सेकेंडरी एक्सटर्नल ओपनिंग बोल देते हैं। हम लोगों में भी कई बार क्या होता है कि हमारा नोज ब्लॉक हो जाता है, नेजल ब्लॉकेज हो जाती है किसी भी म्यूकस सेक्रीशन की वजह से, तो हम लोग माउथ से रेस्पायर करते हैं। ओके, देन हमारे पास है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स के अंदर क्या होता है, फेरिंग्स को जो हम लोग कॉमनली थ्रोट बोलते हैं कि सोर थ्रोट हो गया है, वो बेसिकली हम लोग फेरिंग्स की बात करते हैं। तो फेरिंग्स जो होता है तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, नेजो फेरिंग्स, ओरो फेरिंग्स एंड लैरिंजियो फेरिंग्स। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये जो येलो पोर्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है दैट इज़ नेजो फेरिंग्स, और जो ग्रीन पोर्शन है वो है ओरो फेरिंग्स, और ये जो ब्लू कलर का पोर्शन है ये है लैरिंजियो फेरिंग्स। सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट आप लोगों को मैं बता देती हूँ, वैसे आप लोगों को पता भी होगा, बैक साइड में जो होता है उसको सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं और आगे की साइड जो होता है उसको हम लोग हार्ड पैलेट बोलते हैं। देखो जैसे बोन दिखाई दे रही है आप लोगों को, इस पर थोड़ा फोकस करके अगर हम लोग देखें तो बोन आगे जो है वो हार्ड पैलेट है और ये सॉफ्ट पैलेट है। ठीक है, और एक क्रिकोइड कार्टिलेज एपिग्लॉटिस, इसको हम लोग डिटेल में लैरिंग्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा मेन है कि फंक्शंस ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स का इतने डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। तो फंक्शंस ऑफ फेरिंग्स क्या है कि पासवे ऑफ द एयर, वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाई द एयर, पैसेज एंड टेस्ट ऑफ फूड, रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म एंड रोल इन स्पीच। अब आप लोग बोलेंगे कि रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म कैसे होएगा, तो इसके अंदर जो टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं वो डिफेंस मैकेनिज्म की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाएगी वो है हमारा लैरिंग्स। तो देखो मैंने आपको लैरिंग्स का स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश की है। तो लैरिंग्स में देखो ट्रैकिया के ऊपर जो पोर्शन है दैट इज़ लैरिंग्स, और इसको हमने डिवाइड कर रखा है एपिग्लोटिस, सुप्राग्लोटिस, ग्लोटिस, सबग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस जो ऊपर हमारे फूड पाइप में फूड जाता है और जो विंड पाइप होते हैं उसमें एयर आती है, वो बेसिकली ये एपिग्लोटिस ही कंट्रोल करता है। ये होलो ऑर्गन है रेस्पिरेशन और फोनेशन। फोनेशन मींस वॉइस प्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद है फ्रॉम हेयर फूड एंड एयर गेट रूट्स फॉर द प्रॉपर चैनल। इसी पोर्शन से हमारे जो फूड और एयर होता है उन्हें प्रॉपर चैनल मिलता है। अगर हम लोग इसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, 4 सेंटीमीटर वाइड होता है और 3.5 सेंटीमीटर एंटीरियो पोस्टीरियर होता है। आप लोग याद रखने के लिए कर सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर लेंथ है, 1 सेंटीमीटर माइनस कर दो, फिर 0.5 सेंटीमीटर माइनस कर दो। और जो हमारा लैरिंग्स होता है ये म्यूकस मेम्ब्रेन से, कार्टिलेज से, लिगामेंट से, मेम्ब्रेन मसल्स ऑफ लैरिंग्स से बना होता है, मतलब कि मेम्ब्रेन्स होती हैं इसके अंदर और मसल्स होती हैं। जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे एग्ज़ाम्स में आता है कि आप लोग बताइए कि कार्टिलेज कौन कौन से हैं लैरिंग्स में, तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि सबसे पहले हम लोग लैरिंग्स के बारे में लिखेंगे कि लैरिंग्स एग्जैक्टली है क्या, ये थोड़ी सी एनाटॉमी उसकी लिख के उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि उसके कार्टिलेज को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो कार्टिलेज के बारे में देखो,
ग्लैरिंग्स के अंदर क्या होता है, बेसिकली तीन सिंगल कार्टिलेज होते हैं और तीन पेयर्ड कार्टिलेज होते हैं। सिंगल कार्टिलेज मतलब वो सिंगल होते हैं, जैसे हमारे हैंड्स हैं, लेग्स हैं, ये पेयर्ड ऑर्गन्स हैं ना, मतलब दो हाथ हैं, दो पैर हैं, तो इस तरीके से पेयर्ड कार्टिलेज होते हैं और सिंगल कार्टिलेज होते हैं। तो मैंने आपको इसका एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों व्यू दिखाए हैं। आप देखो, ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है इधर से, ये ग्रीन कलर का, ये है हमारा एपिग्लॉटिस, ठीक है। और जो सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा ब्राउन कलर में दिखाई दे रहा है, ये एंटीरियर व्यू में भी है, ये पोस्टीरियर व्यू के अंदर भी है, तो ये क्या है, हमारा थायरॉइड कार्टिलेज है, ठीक है। उसके बाद जो आपको स्काई ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, ये है एरेटिनॉइड कार्टिलेज। और जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है, ये इधर, ये इधर, ये है हमारा क्रिकोइड कार्टिलेज, ठीक है। जो कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज होता है ना, ये मतलब कि हमें ऐसे एग्जैक्टली दिखाई नहीं देता, जब हम डाइसेक्शन करते हैं देन वी कैन सी द कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज क्लियरली। सो उसके बारे में मैं भी आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। सो वन बाय वन हम लोग सभी कार्टिलेजेस को स्टडी करते हैं। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द थायरॉइड कार्टिलेज। तो थायरॉइड कार्टिलेज क्या होता है, देखो लार्जेस्ट कार्टिलेज है, हमने पीछे भी देखा जो सबसे ज़्यादा कार्टिलेज दिखाई दे रहा था वो कौन सा था, थायरॉइड कार्टिलेज था। तो जो लार्जेस्ट कार्टिलेज है लैरिंग्स का, वो कौन सा है, थायरॉइड कार्टिलेज। और इट रिजेंबल्स एज अ शील्ड, ये एक शील्ड की तरह दिखाई देता है, ठीक है। मैंने दिखा रखा है आपको, काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रहा है, देखो ये शील्ड की तरह दिखाई दे रहा है। और इट हैज़ टू लैमिने, मतलब एक ये लैमिला, एक ये लैमिला, दो लैमिले होते हैं इसके पास। और ये ज्वाइन होते हैं एक एक्यूट एंगल से मिड लाइन में, और ये जो होता है, ये होता है हमारा एडाम्स एप्पल, जो दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है, क्लियरली दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एडाम्स एप्पल, ये जो यहाँ पे प्रोमिनेंस दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये क्या होता है कि ये जो एडाम्स एप्पल होता है, दैट इज़ मोर प्रोमिनेंट इन द मेल्स, ठीक है, मेल्स में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं हमारे सिंगल कार्टिलेजेस के बारे में, जो हमारे सिंगल कार्टिलेजेस हैं। अभी हमने थायरॉइड कार्टिलेज के बारे में पढ़ा, उसके बाद सिंगल कार्टिलेज देखें तो क्रिकोइड कार्टिलेज जो है हमारा सिंगल कार्टिलेज, दूसरे सिंगल कार्टिलेज, जैसे थायरॉइड भी एक सिंगल कार्टिलेज है, क्रिकोइड कार्टिलेज और एपिग्लोटिक कार्टिलेज। जो क्रिकोइड कार्टिलेज है वो कैसा होता है, सिंगलेट रिंग की शेप का होता है। पीछे हम लोगों ने देखा था क्रिकोइड कार्टिलेज को, मैं एक बार दोबारा दिखा देती हूँ। देखो ये क्रिकोइड कार्टिलेज है, ये कैसा है, सिंगलेट रिंग, देखो ये जो हमें ये दिखाई दे रहा है, ये एक सिंगलेट रिंग की तरह है, ठीक है। उसके बाद एंटीरियरली लाइज बिलो द थायरॉइड कार्टिलेज। जब एंटीरियर व्यू हम लोग इसका देखते हैं, तो एंटीरियरली हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है कि ये थायरॉइड कार्टिलेज के कहाँ है, थायरॉइड कार्टिलेज के नीचे है, एंटीरियरली हम लोग देख पा रहे हैं इसको, ठीक है। उसके बाद क्या है, पोस्टीरियरली एक्सटेंड्स अपवर्ड इनटू इंटरनल बिटवीन लैमिने ऑफ द थायरॉइड कार्टिलेज। देखो ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, पोस्टीरियरली जो लैमिने हैं ये अपवर्डली एक्सटेंड होकर इन लैमिनेज के बीच में इंसर्ट हो जाता है, ठीक है, कहाँ चला जाता है, लैमिनेज के बीच में इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एपिग्लोटिक कार्टिलेज। एपिग्लोटिक हम लोग 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, टंग और लीफ शेप कार्टिलेज होता है, अपर बॉर्डर होता है, लोअर बॉर्डर नैरो होता है, ये एक लीफ की शेप का होता है। जैसे लीफ क्या होता है, अपर ब्रॉड होता है, नीचे नैरो होता है, उसी तरीके से ये होता है। ये क्या करता है, ये गार्ड करता है हमारे इनलेट ऑफ लैरिंग्स को, ठीक है। तो मैं आपको साथ साथ क्या नोट्स की फॉर्म में प्रोवाइड कर रही हूँ, ताकि आप लोग अपने एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे सेम टू सेम लिख सकें, ठीक है। उसके बाद हम लोग पेयर्ड कार्टिलेज की बात करते हैं। तो पेयर्ड कार्टिलेज में ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब पेयर्ड कार्टिलेज हम लोगों को इतने ज़्यादा दिखाई भी नहीं देते, बहुत ही कम होते हैं। तो पेयर्ड कार्टिलेज के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा ही लिखना होता है। बेसिकली आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है कि डायग्राम ज़रूर बनाना है और लैरिंग्स के बारे में थोड़ा बहुत ज़रूर लिखना है। ऐसा नहीं कि कार्टिलेज के बारे में पूछा तो आप सीधा कार्टिलेज लिखना शुरू कर दोगे, नहीं, सबसे पहले बताओ कि लैरिंग्स एग्जैक्टली है क्या और वो किस किस चीज़ से बना है, और जो कार्टिलेज होते हैं वो कितने होते हैं, पेयर्ड कितने होते हैं, सिंगल कितने होते हैं, फिर सिंगल के बारे में लिखो, एंटीरियर पोस्टीरियर डायग्राम बनाओ उसका, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एटलीस्ट आप एक डायग्राम तो बनाओ, अगर एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों बनाने का टाइम नहीं होता एग्जाम में, तो एटलीस्ट आप एक डायग्राम बनाओ, ठीक है। उसके बाद है एरेटिनॉइड कार्टिलेज। एरेटिनॉइड कार्टिलेज के अंदर क्या होता है, ये पिरामिड शेप के कार्टिलेज होते हैं। अब हमने देखा कोई सिंगलेट रिंग शेप का है और कोई अपना शील्ड शेप का है, तो एरेटिनॉइड भी इसी तरीके से पिरामिड शेप का होता है। और ये क्या करता है, रेस्ट ऑन अपर बॉर्डर ऑफ पोस्टीरियर लैमिना ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज। और क्रिकोइड कार्टिलेज जो हमने अभी देखा था, ये उसके पोस्टीरियर लैमिना पे लाई करता है, ठीक है। फिर है कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज, स्मॉल कॉर्निक्यूलेट नोड्यूल्स होते हैं और ये एरेटिनॉइड कार्टिलेज
जो है उसके अपेक्स पे होते हैं। एक तरीके से जैसे हम देखते हैं कि जो हमारी किडनी होती है उसके ऊपर भी ग्लैंड है, उसी तरीके से एक तरीके से समझो कि जो एरेटिनोइड है उसके ऊपर कॉर्निक्यूलेट प्रेजेंट है, ठीक है। फिर है क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज में क्या होता है, स्मॉल इलॉन्गेटेड पीस ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज का स्मॉल इलॉन्गेटेड पीस जो है वो है हमारा कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ लैरिंग्स। अगर आपके पास टाइम है तो आप फंक्शंस ऑफ लैरिंग्स लिख सकते हैं, अदरवाइज एनाटॉमी में ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है और फिजियोलॉजी में बहुत कम पूछा जाता है कि फंक्शंस ऑफ लैरिंग्स क्या है, क्योंकि इस चैप्टर में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले इसका फंक्शन होता है फोनेशन का। फोनेशन मीन्स क्या होता है कि ये वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। और उसके बाद फोनेशन में भी क्या पिच, वॉल्यूम और हमारे ये मिस्टेक है यहाँ पर रेजोनेंस, पिच वॉल्यूम और रेजोनेंस। एंड सेकंड फंक्शन इज प्रोटेक्शन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक ड्यूरिंग द डीग्लूटेशन एंड हिंज्ड एपिग्लॉटिस। ओके, फोनेशन में पिच किस बात पर डिपेंड करती है, मैं एक्स्ट्रा बता देती हूँ कि जो पिच है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि लेंथ और टाइटनेस कितनी है वोकल कॉर्ड्स की। वॉल्यूम इस बात पर डिपेंड करती है कि फोर्स कितना वाइब्रेट कर रहा है हमारे वोकल कॉर्ड को। और रेजोनेंस और जो टोन होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि शेप ऑफ माउथ हम लोग बोलते हुए कैसे बनाते हैं, पोजिशन ऑफ टंग क्या है, लिप्स की शेप क्या है, पैरानेजल साइनसिस, जो हम लोगों का रेजोनेंस गड़बड़ा जाता है ना जब हम साइनोसाइटिस हो जाते हैं, तो वो बेसिकली यही होता है कि नेजल साइनसिस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, रेजोनेंस के लिए, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है हमारा ट्रैकिया। देखो इस वीडियो में आप लोगों के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, जैसे कि लैरिंग्स जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देन ट्रैकिया विच इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज़ अ फ्लेक्सिबल सिलेंड्रिकल ट्यूब। ये एक फ्लेक्सिबल सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, आगे मैं आपको इसका डायग्राम भी दिखाऊंगी। बिगन्स लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज एक्सटेंड्स टू केराइना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, बच्चों को ये नहीं पता होता कि ये बॉर्डर ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज, मतलब क्रिकोइड कार्टिलेज हम लोगों का एंड में था और केराइना तक एक्सटेंड होता है। अब आप पूछोगे कि केराइना क्या होता है, केराइना मैं आगे बताती हूँ। दैट बाइफरकेशन जो हमारे लंग्स की हो जाती है, ये जो बाइफरकेशन है इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, केराइना बोलते हैं, ठीक है। एनाटॉमिकल आपको पता होना चाहिए कि लेंथ 9 to 15 सेंटीमीटर है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो मार्क्स गेनिंग होते हैं, मतलब आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं इन सब चीज़ों के, ठीक है। 2 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है, 15 to 20 इनकम्प्लीट रिंग्स होती हैं, हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है, इलास्टिक एंड मे डेविएट टू राइट सम, मतलब नॉर्मली हम लोगों का परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होता है, लेकिन कई बार क्या होता है डेविएट होता है थोड़ा सा राइट की तरफ। दैट अ नॉर्मल फिजियोलॉजी, वो कोई ये नहीं है कि किसी बंदे का राइट की तरफ ज़्यादा डेविएट है तो हम बोल दें इसको कोई डिजीज है, नो। उसके बाद देखो मैंने आपको दिखाया है कि ईसोफेगस जो बैक ऑफ द ट्रैकिया से जाती है, ठीक है, लैरिंग्स के नीचे जो हम लोगों का यहाँ पर जो क्रिकोइड कार्टिलेज है, जो मैंने बोला सिंगलेट रिंग शेप का है, उसके बाद से आप लोगों का ट्रैकिया स्टार्ट हो जाता है। और ये क्रॉस सेक्शनल व्यू देखें तो देखो यहाँ पे हम लोगों का ईसोफेगस है। जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम करेंगे तब अच्छे से देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी 4 लेयर्स होती हैं एलिमेंट्री कैनाल की, ठीक है। अभी आप ये देखो, और ये हम लोगों का क्या है, ट्रैकिया है, और ये सी शेप की क्या है, ये मतलब सी शेप की हाइलिन कार्टिलेज, कंप्लीट रिंग्स नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्या आ जाता है, ट्रैकियो ब्रैकियल ट्री। देखो ट्रैकिया हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें आप डायग्राम वो 4-5 पॉइंट लिख दो। इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हो कि अगर मार्क्स गेन करने हैं तो हम लोग उसके अंदर क्या, उसकी ब्लड सप्लाई भी लिख सकते हैं, ब्लड सप्लाई, उसकी नर्व सप्लाई, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करें ट्रैकियो ब्रैकियल ट्री के बारे में। तो ट्रैकियो ब्रैकियल ट्री क्या होता है, देखो ट्रैकिया से एल्वियोलाई तक का जितना भी एरिया है, एयर पैसेज बिटवीन ट्रैकिया एंड एल्वियोलाई, उसको हम लोग ट्रैकियो ब्रैकियल ट्री बोलते हैं। और ट्रैकियो ब्रैकियल ट्री क्या होता है, ट्रैकिया से लेकर एल्वियोलाई तक 23 टाइम्स डिवीज़न होती है। और ये जो मल्टीपल डिवीजन्स होती हैं वो क्या करती हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा देती हैं। द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो लैरिंग्स से स्टार्ट होता है और अगेन एंड अगेन डिवाइड करके स्मॉलेस्ट रीजन जो कि एल्वियोलाई है एक्सचेंज मेम्ब्रेन तक लेकर जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो ये मैंने ट्रैकियोब्रैकियल ट्री का डायग्राम दिखा रखा है कि यहाँ से डिवीज़न शुरू होकर यहाँ तक डिवीज़न गई है। तो ये डिवीज़न क्या है, देखो जो सबसे पहले हम लोगों को ये ब्रोड दिखाई दे रहा है, ये इधर, ये हम लोगों का क्या है, ट्रैकिया। फिर ट्रैकिया बाइफरकेट हो गया है, जो केराइना था
एक तरफ हो गया है लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस, एक तरफ है राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस। ये जो हम लोगों का है ये है प्रिंसिपल ब्रोंकस, राइट और लेफ्ट। उससे बनते हैं लोब्यूलर ब्रोंकस। और इसमें हम लोग क्या जनरेशन के अकॉर्डिंग, जैसे हम लोग ट्रैकिया को बोलते हैं जीरो जनरेशन, प्रिंसिपल ब्रोंकस को बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन, फिर लोब्यूलर ब्रोंकस को बोलते हैं सेकंड जनरेशन, और इधर हम लोगों की आ जाती हैं ये सेगमेंटल ब्रोंकाई। सेगमेंटल ब्रोंकाई को हम लोग बोलते हैं थर्ड जनरेशन। उसके बाद यहाँ तक डिवाइड होते होते यहाँ पे आ जाती हैं हमारी टर्मिनल ब्रोंकाई, और ये होती हैं 16th जनरेशन। इट मीन्स सेगमेंटल से टर्मिनल तक बीच में और जनरेशन 13 जनरेशंस और हैं। सेगमेंटल ब्रोंकाई थर्ड जनरेशन है तो टर्मिनल ब्रोंकाई हम लोगों की 16th जनरेशन है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ये जो इधर दिख रहे हैं ये है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल 17 to 22 जनरेशन, और ये जो हम लोगों को पूरा गोल गोल दिखाई दे रहा है ये हमारी 23rd जनरेशन है, जिसके अंदर एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक और एल्वियोलाई आता है। आप लोग सोचते हो पूरा पाउच एल्वियोलाई है, नो, ये जो पूरा पाउच है दैट इज एल्वियोलर सैक, और इसके अंदर छोटी छोटी एल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं। जो मोस्ट ऑफ द एक्सचेंज होता है वो कहाँ होता है, यही होता है। देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है ना वो एल्वियोलाई में होता है। ये जो पूरा का पूरा है ये एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कंडक्टिंग जोन है। जो मेन रेस्पिरेशन है वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद स्टार्ट होता है, जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, और मैक्सिमम होता है हमारा एल्वियोलाई के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो क्या है रेस्पिरेटरी पैसेज, जो अभी हमने ट्रैकियोब्रैकियल ट्री पढ़ा है, तो बेसिकली इसके अंदर दो जोन्स होते हैं, एक होता है कंडक्टिंग जोन, एक होता है रेस्पिरेटरी जोन। देखो जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है ना वो लैरिंग्स के बाद है, और मैं उसी के बाद की बात कर रही हूँ कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन की, ठीक है। तो जो कंडक्टिंग जोन होता है ये गैस ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम एंड टू एक्सटीरियर। इसके अंदर होता है ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ठीक है। उसके बाद जो रेस्पिरेटरी जोन है, मैंने अभी बताया कि टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बाद जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स होते हैं, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलाई, ये सब कुछ रेस्पिरेटरी जोन के अंदर आता है, और इसकी कैपेसिटी होती है 4 लीटर की, ठीक है। 4 लीटर एयर इट कैन स्टोर, और वी कैन सी दैट एक्सचेंज कर सकता है ये इतनी एयर। और उसके बाद जो कंडक्टिंग जोन होता है हम बोलते हैं डेड स्पेस है, तो 150 ml जो होता है वो डेड स्पेस होता है, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ कि एक बार एक बेबी बोर्न होता है तो डॉक्टर्स बोलते हैं दैट बेबी वॉज लाइफ, एंड मदर बोलती है नहीं मेरा बेबी डेड था। तो उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, तब पता चलता है कि वो बेबी लाइव था या डेड था। इट्स द फंक्शन ऑफ अवर रेस्पिरेटरी ट्रैक कि जब बेबी के लंग्स को हम लोगों ने पानी के अंदर डाला तो वो ऊपर की तरफ आ गए बिकॉज ऑफ द एयर, देन बेबी फर्स्ट क्राई के बाद वो रेस्पायर करता है। तो इससे हम लोगों को पता चला कि जो बेबी है उसका जो बर्थ था वो लाइव बर्थ था। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लंग्स की एनाटॉमी को पढ़ेंगे।